प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पंचायत चुनावों के लिए प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर लिए हैं। प्रत्याशी अपनी प्राथमिकता गिनाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। इन चुनाव में मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। नामांकन भरने के बाद इन प्रत्याशियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। इस दौरान प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सड़क पानी की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही अन्य कई प्राथमिकताएं भी बताई। मैं संतोष शर्मा जुनगा वार्ड नंबर 23 से जिला परिषद के लिए कैंडिडेट हूँ। मुझे लोगों का ये प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो मैं आज उन्हीं की वजह से आज कैंडिडेट हूँ ये जिला परिषद की। और मेरे मेन मुद्दे रहेंगे कि मैं महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण का मैं एक मुद्दा रखूँगी आगे, हाउस में जोर शोर से उठाऊँगी। और हमारे जितने भी हमारे लिंक रोड हैं, जो कच्चे रोड हैं, किसानों को सब्जियां मार्केट तक पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आती है, स्पेशली बरसात में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि रोड गिर जाते हैं तो नहीं पहुंचा पाते और सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर तो बहुत जल्दी बाज़ार पहुंचाने पड़ते हैं। तो मैं एक तो ये रहेगा मेरा, दूसरा गऊ सदन का रहेगा कि गऊएँ जो है हमारी सड़कों पर ठंड में लोग लावारिस छोड़ देते हैं, तो मैं एक अपने विधायकों के थ्रू और अपने सरकार के थ्रू मैं जोर डालूंगी हाउस में कि ये हमारी जो है जिनगा वार्ड के लिए एक ये मांग पूरी हो जाए। लोगों का सहयोग रहा, लोगों की ये डिमांड भी है कि गऊ सदन एक होना चाहिए जिनगा वार्ड में। और उसके उपरांत जो है हमारा बहुत सारे मुद्दे हैं और भी, जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उसमें मतलब ये है कि उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि हर औरत जो है वो जो भी सामान बनाए, जो भी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन जो करे, उसके लिए एक उचित मार्केट उनको मिले, क्योंकि मार्केट नहीं मिल पाती तो वो लोग, उन लोगों की मेहनत बेकार हो जाती है। शिमला ग्रामीण के SDM मनोज कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी को नामांकन पत्र भरे गए हैं, जिसमें 5 वार्डों के लिए 31 नामांकन पत्र आए हैं। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, वहीं 6 जनवरी को नाम वापस लिए जा सकते हैं। SDM ने कहा कि नामांकन के दौरान कोरोना को लेकर जारी SOP का पूरा ध्यान रखा गया। द्वारा जो है वो SDM शिमला रूल के जो अधिकार क्षेत्र में 5 जिला परिषद के स्थान हैं जिनके लिए नामांकन लिए जा रहे हैं। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो था वो नामांकन की तारीख जो थी वो तय थी। आज 3 बजे तक जो है वो इन 5 वार्डों में कुल 31 नामांकन जो है वो प्राप्त हुए हैं। स्क्रूटनी के लिए जो है वो 4 जनवरी का दिन निर्धारित है। प्रातः 10 बजे से जो है वो स्क्रूटनी का कार्य शुरू हो जाएगा और यदि कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो 3 बजे तक स्क्रूटनी का कार्य हम कंप्लीट कर लेंगे। इन केस ऑफ ऑब्जेक्शंस जो है उस पर तय करे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्शन किस तरह का है और किस कैंडिडेट के खिलाफ है, और उसको जो है वो सुनवाई का मौका दिया जाता है। कई बार जो है वो स्क्रूटनी जो है वो दूसरे दिन के लिए भी जा सकती है, लेकिन ये कहना भी प्रीमैच्योर होगा कि क्या स्थितियाँ बनेंगी। हाँ, 4 तारीख का दिन जो है वो 10 बजे से स्क्रूटनी के लिए निर्धारित किया गया। 6 जनवरी को जो है वो नामांकन अगर कोई अभ्यर्थी वापस लेना चाहता है तो 6 तारीख तय है। उससे पहले 4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से नामांकन पत्र जो हैं वो वैध पाए गए हैं। जो वैध नामांकन होंगे उन्हीं अभ्यर्थी को जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कोई हटाना चाहेगा अपना नाम जो है नामांकन पत्र से या अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है, तो उसके लिए दिन जो है वो निर्धारित है 6 तारीख का और समय निर्धारित है सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। और जैसे ही 3 बजे का समय पूरा होगा उसके बाद जो है वो चुनाव चिन्ह जो हैं वो सभी प्रत्याशियों को आवंटित कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।